पंजाब एकता पार्टी वालों प्रधान सुखपाल खहरा की अगवाई में आज कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू के अस्तीफे की मांग को लेकर कोचर मार्केट विखे रोस प्रदर्शन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जलंधर के बूटा मंडी विखे लड़कियों की डिग्री कॉलेज का नींह पत्थर रखा गया। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफले से अतवादी हमले से पाकिस्तान स्थित अतवादी ठिकाने से भारत की एयर स्ट्राइक तो बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट तो बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के हुक्म बरकरार रखा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलंधर के बूटा मंडी विखे लड़कियों के डिग्री कॉलेज का नींह पत्थर रखा। दिल्ली लाहौर विचाले चलती पाकिस्तान भारती सांझी रेलगड्डी समझौता एक्सप्रैस को पाकिस्तान रेलवे वालों अज अगले हुक्मां तक रद्द कर दिया गया है। फिरोजपुर शहर के बांसी गेट नेड़े दो मोटरसाइकिल सवारों वालों एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान की गोलियां मार के फरार हो जाने की खबर है। अजीत डोवाल और अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने बुधवार देर रात फोन से गलबात की। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक इस दौरान माइक पोम्पेयो ने कहा कि पाकिस्तान की धरती से जैश ए मोहम्मद के कैंपा से कार्रवाई करने से भारत के फैसले का अमरीका समर्थन करता है। पुलवामा अतवादी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्य अतवादी मौलाना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते दिन जलंधर पहुंचे जिथे उन्होंने वालों सरहदी इलाकों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा को लेकर फौज अर्धसैनिक बलों और पुलिस के उच्च अधिकारियों बैठक की गई।